उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के दो दिन बाद भी तनाव जैसा माहौल जरूर है, लेकिन शांति की तस्वीर अब दिख रही है। मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई, गोली चली, 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। हालात को सुधारने के लिए प्रशासन लगातार जुटा रहा, खुद बड़े अधिकारी ग्राउंड पर कैंप करते नजर आए। और इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से लखनऊ में मुलाकात की। राम गोपाल की मां, राम गोपाल के पिता और उनकी पत्नी मौजूद रहे। मुलाकात की तस्वीर शेयर कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जनपद बहराइच की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट हुई। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस घोर निंदनीय और अक्षम घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, सीएम ने कहा। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान भी सरकार की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से किया गया है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। सीएम योगी ने खुद परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय विधायक भी बीजेपी के मौजूद रहे और सीएम ने भरोसा दिया इंसाफ भी मिलेगा। आर्थिक मदद के तौर पर सीएम ने 10 लाख रुपए, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान कार्ड और एक घर देने के लिए कहा है, आश्वासन दिया गया है। और साथ ही कार्रवाई को लेकर भी परिवार को आश्वस्त किया है। बहराइच का जो घटना है सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो शरारती तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कहीं कोई खलंत्र तो नहीं है, उस पहलू पे की जांच की जा रही है। जो लापरवाही पुलिस ऑफिसर्स द्वारा बरती गई है उसकी भी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। निश्चित रूप से दंगा पर नियंत्रण होना चाहिए, दंगा की कोई जगह नहीं है। और लेकिन दंगा न होने पावे इसके लिए भी अगर दंगा शुरुआत करने वाले का संरक्षण मिलेगा तो हर जगह दंगा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, खुद संज्ञान में लिए हैं और खुद उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश दिए, कड़े निर्देश दिए कि कोई भी इस तरह का कानून तोड़ने वाला जो है दंगाई होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो राम गोपाल मिश्रा के मौत से लोगों में नाराजगी है। मृतक के परिजन खुद मुख्यमंत्री से मिले, परिजनों की तरफ से क्या कहा गया सुनते हैं। हमने जो उनसे कहा उसका उन्होंने स्वीकार किया, उसको उससे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। जितना उनको करना चाहिए था उससे बढ़ के उन्होंने कहा है और वो करेंगे, बस हम उससे संतुष्ट हैं। सीएम योगी पल पल अपडेट ले रहे हैं। शांति बनाए रखने को लेकर लगातार प्लानिंग की गई, अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया गया है और हिंसा के बीच टॉप अधिकारियों को फील्ड पर उतारा गया। बहराइच में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हर तरफ पुलिस की तैनाती है और इसका असर दिख भी रहा है। जिस महसी इलाके में बवाल हुआ था, जिस जगह पर कल तक अशांति जैसा माहौल था, आज उस महसी में गाड़ियों की आवागमन दिखी। छोटी और बड़ी गाड़ियां सड़क पर दिख रही। 3 दिनों के बाद आज मार्केट भी आखिरकार खुल पाई। पुलिस, पीएसी और आरएएफ की टीम लगातार निगरानी कर रही है। हालात को दुरुस्त करने के लिए खुद प्रशासन जुटा है। बहराइच को कंट्रोल करने के लिए लगातार कदम उठाया जा रहा है और इन सब के बीच पीएसी की 12 कंपनी, 4 आईपीएस, सीएपीएफ की 2 कंपनी, एसएसपी, 2 एसएसपी, रंग के अधिकारी, आरएएफ की 1 टुकड़ी यहां मौके पर मौजूद है और 4 सीओ को भी जिम्मेदारी दी गई है हालात को सामान्य रखने की। 13 अक्टूबर को बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी। प्रशासन जुटा हुआ है, हालात न बिगड़े इसके लिए इंटरनेट को बंद भी कर दिया गया है और बीएनएस की धारा 163 जो पहले धारा 144 हुआ करती थी आईपीसी की, वो बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में 163 हो गई है, इसको भी लागू किया गया है ताकि शांति बहाली में लगातार कामयाबी मिलती रहे। और इन सब के बीच खुद मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है इंसाफ मिलेगा।